Sensei Mari Naidu. Sensei Ungar. Sensei Ungar. अभी गोवा में हमारे यहाँ पर 11th SCKFI कराटे चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए एंड आई हैव बीन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट इन दिस टूर्नामेंट और पिछले बहुत सारे सालों से मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहा हूँ और इस तरह के टूर्नामेंट जो हमारी नई जो टैलेंट है नई प्रतिभाएं हैं उनको अपनी ट्रेनिंग को इवेल्यूएट करने का और आगे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर करने का मौका मिलता है इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं और ये टूर्नामेंट कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है और इसके अंदर सभी जो कियो के मान्यता प्राप्त जो भी ब्रांचेज हैं उनके प्लेयर इसके अंदर हिस्सा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ये चैम्पियनशिप हर साल की तरह बेहद सक्सेसफुल होगी और इसके जो मुख्य आयोजक हैं महेश कुशवाहा जी जो मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑफिशियल्स को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर को माय गुड विशेस। सर अभी हाल ही में आप यहाँ पे दिल्ली में स्कूल गेम्स नेशनल स्कूल गेम्स हुआ है उसने पूरा क्यों ने हैंडल किया उस चीज़ को मतलब अभी आगे का फ्यूचर हमारे जैसे क्यों और काय के मेंबर भी जुड़ रहे हैं इससे बहुत से मतलब आगे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं क्या फ्यूचर है इसके बारे में। ये ऐसा है कि जिस तरह का नंबर है ये सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर कराटे कंपटीशन के अंदर एक ही रूल होते हैं WKF रूल जिसके अंतर्गत ये कराटे की कोई भी टूर्नामेंट होता है और उसको कराने का जो अधिकार है उसको कंडक्ट करने का वो WKF रूल से जो जिसकी भी जिसको डिग्री मिली हुई है या WKF रूल से वो भली भांति परिचित है और WKF से एफिलेटेड संस्था से संबंधित है वही टूर्नामेंट को संचालित कर सकते हैं। तो आज भारत देश के अंदर सिर्फ कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा एक बॉडी है कियो जो WKF से AKF से कॉमनवेल्थ से साउथ एशियन से मान्यता प्राप्त है और इसी के पास जो है WKF और AKF के साथ साथ कियो के एफिलेटेड और क्वालिफाइड वैलिड लाइसेंस होल्डर रेफरीज हैं। तो अभी हाल ही में 67th स्कूल गेम्स हुए अंडर 14 और अंडर 17 के दिल्ली में तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कियो के टेक्निकल ऑफिशियल्स ने उसको बहुत अच्छे से संभाला और पूरा टूर्नामेंट बिना किसी डिस्प्यूट के बिना किसी इंजरी के और पूरे देश से लगभग 24 स्टेट के खिलाड़ी उसके अंदर आए थे उन्होंने हिस्सा लिया और वो एक ग्रैंड सक्सेस रहा और सारा ऑनलाइन सिस्टम से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया सारी एंट्री स्पोर्ट डाटा पे ड्रॉज स्पोर्ट डाटा पे निकाले गए टूर्नामेंट को जो कंडक्ट हुआ वो भी स्पोर्ट डाटा जो WKF की आधिकारिक जो एक संस्था है जो इसके अंदर ये जितना भी मैनेजमेंट होता है कराटे से कंपटीशन रिलेटेड उसने किया तो इट वाज़ ए ग्रेट टूर्नामेंट और मैं सभी SGFI के अधिकारियों का दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों का और सभी कोचेस का और टेक्निकल ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कराटे को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर आपका मदद से अभी सब लोग इतने अभी हाल ही में और एक ये हुआ था सर इवेंट हुआ था यहाँ पे नेपाल में साउथ एशियन कराटे का जी और बहुत से लोगों ने वहाँ पे क्वालिफाइड रेफरीज बने AKF से और मतलब अभी जो कियो जैसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सब तरफ अभी बढ़ रहा है और ऊपर से दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग भी जुड़ रहे हैं इसके अंदर आपको ये लगता है कि यहाँ पे इसी चेयरमैन वगैरह ये AKF रेफरीज वगैरह जो नए हुए हैं उनको अपॉइंट शफल करने वाले हों और क्या अपग्रेड बढ़ने वाला है कैसा क्या है सर। देखिए कि अभी हाल ही में नेपाल के अंदर साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था और वहाँ पर मैं रेजिडेंट भी इलेक्ट हुआ अगले 4 सालों के लिए और वहीं पर एशियन कराटे फेडरेशन का जो रेफरी कोर्स भी हुआ जिसके अंदर हमारे देश के रेफरीज ने भी हिस्सा लिया और बहुत सारे रेफरीज ने उसको लाइसेंस को अचीव किया उसके अंदर पास हुए वो जी। और आज काफ़ी संख्या में
हमारे पास कियो में एशियन लेवल के 89 एकेएफ क्वालिफाइड रेफरीज हैं। ग्रेट ग्रेट। तो पूरे देश के अंदर, और वो देश के कोने कोने से हैं, देश का लगभग कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से हमारे पास नहीं है एकेएफ के क्वालिफाइड रेफरीज नहीं है जी। और वो टूर्नामेंट भी बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके अंदर सभी साउथ एशियन की कंट्रीज मेंबर जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इट वॉज ए ग्रेट टूर्नामेंट। और आज इस सब चीज़ों को देखते हुए जितने भी और दूसरी गैर मान्यता प्राप्त संस्था के लोग हैं, धीरे धीरे करके सब आके कियो में जुड़ रहे हैं। मैं कियो की तरफ से और साउथ एशियन कराटे फेडरेशन प्रेसिडेंट की तरफ से भी मैं उन सबका स्वागत करता हूं कि सब लोग आएँ, मुख्य द्वारा में आएँ और सही और मान्यता प्राप्त संस्था के साथ जुड़ें। तभी आपके बच्चों का भला होगा, तभी आपके बच्चे जो आपके प्लेयर दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिलेगा। जैसा कि पहले भी मैं फेडरेशन से जुड़ा रहा हूँ, 2010 से जो नेशनल फेडरेशन रही है उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, उससे पहले जो भी मान्यता प्राप्त संस्था रही है उसके अंदर ट्रेजरर भी रहा हूँ। और आज मैं ये देखता हूँ कि देश के हजारों खिलाड़ियों को उससे ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने पूरी मेहनत करके स्कूल गेम्स के अंदर कराटे को शामिल कराया, दोबारा से यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर हुआ, खेलो इंडिया के अंदर कराटे आया, पुलिस एंड पारा मिलिट्री के अंदर पुलिस गेम्स के अंदर कराटे को शामिल किया गया। और इससे हमारे पता नहीं कितने प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, जिन्होंने सर्विसेज के अंदर नौकरी मिली, जिनको कराटे की वजह से उनको CRPF, ITBP, असम राइफल, आर्मी, इनकम टैक्स और अब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये हम सब की एक मिलीजुली मेहनत का नतीजा है, हमने मेहनत करी है, हमारे बच्चों ने मेहनत करी है और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में भी उन सबको इसी तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। जो हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो भी आगे आएंगे, हमारे रेफरीज भी आगे आ रहे हैं। तो अभी जो है पूरे भारत के अंदर कराटे बहुत नई ऊंचाइयों पे आ गया जी सर, और जिससे हर खिलाड़ी का मान सम्मान बढ़ रहा है, हर कोच का मान सम्मान बढ़ रहा है और देश का नाम भी बढ़ रहा है। हमारा 11th SAKFI नेशनल चैम्पियनशिप है और इसमें करीब 18 जिलों के 550 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। ये लगभग 2006 से मैं यहाँ पर इवेंट करा रहा हूँ और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि गोवा मुझे अपना सेकेंड होम जैसा लगता है। यहाँ इतने हेल्पफुल और इतने पोलाइट लोग हैं कि यहाँ कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि अपन कहीं दूसरी स्टेट में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेटिव नेचर है और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है यहाँ पर। कितने पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ पर? 550 पार्टिसिपेंट हैं, करीब 18 राज्यों के हैं। ओके। और 18 राज्य से आ रहे हैं, 18 स्टेट से आ रहे हैं जी। कुछ राज्यों की टीम अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाई क्योंकि ये काफ़ी पीक सीज़न है, तो कुछ का ट्रेन वगैरह का वेटिंग क्लियर नहीं हो पाया, अदरवाइज काफ़ी टीमें होंगी।